अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, बहुत सारे दोस्तों को मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करना आता। इट्स मीन के मार्केट किस तरफ जाने वाली है, ये किस तरफ जा रही है, ये चीज़ें आपको अगर आइडेंटिफाई करना नहीं आती तो आप मार्केट से कभी प्रॉफिट नहीं ले सकते। अगर आपको यही नहीं पता कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट जाएगी या मार्केट लॉन्ग जाएगी, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना आती होंगी तो आप मार्केट को आइडेंटिफाई करोगे यार वाकई मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाली है, मैं शॉर्ट की एंट्री लूँ और मार्केट से प्रॉफिट लूँ। अगर आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना आती होगी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है तो देन आप एंट्री लेके मार्केट से अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने की लिए बहुत सिंपल सा मैं आपको साथ ट्रिक यहां पे शेयर करूंगा, आपने जस्ट उसे यूज करना है, आप इजीली मार्केट से अच्छा प्रॉफिट गेन करोगे। यार आपको किसी के एनालिसिस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एनालिसिस करोगे। देखो एक चीज कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ लो, जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है ना तो मार्केट कुछ इस तरह मूवमेंट दे रही होती है आपको, ठीक है, यहां से नीचे गिर रही है फिर मार्केट ऊपर जा रही है इस तरह, ठीक है, ये वाली मूवमेंट्स आपको मार्केट दे रही होती है और यहां से इस तरह मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है स्विंग लगाती हुई। अब ये वाला जो होता है ना बेसिकली इसको हम कहते हैं ट्रेंड अपवर्ड की तरफ का। अब आपने इसको एनालिसिस कैसे करना, अब ये ट्रेंड अपवर्ड जा रहा था, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये ट्रेंड चेंज हो चुका है कि मार्केट डाउन आने वाली है। अब ये जो मेरे पास यहां पर ये जो स्विंग्स बन रहे होते हैं ना, ये देखे आपने इन स्विंग्स को मार्क कर लेना होता है यहां पर, ये देखे एक हायर स्विंग जो मेरे पास रिसेंटली बना है वो ये बना है, ठीक है, उसके बाद एक स्विंग मार्केट ने ये बनाया था, इस तरह जो स्विंग्स बनेंगे आप उन्हें मार्क कर लेंगे। जब क्या होगा, जब मार्केट के अंदर एक ट्रेंड मार्केट यहां से एक हाई लगाएगी उसके बाद इतना ब्रेक करेगी, ये देखें इस तरह, अगर मार्केट इतना लो लगाएगी कि मार्केट ने जो रिसेंटली यहां पे ये देखें हायर हाई लगाया है और हायर लो लगाया, ये देखें इस तरह, इन दोनों को यहां से मार्केट ब्रेक कर देगी तो देन हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मार्केट ने यहां से अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर लिया है। फिर क्या होगा, मार्केट फिर एक दफा पुल बैक लगाएगी दोबारा, ये जो मार्केट का हायर हाई था ना यहां तक, मार्केट यहां तक जाने की कोशिश करेगी यहां तक इस तरह, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट को रिजेक्शन मिल जाएगी, मार्केट गिर जाएगी, फिर इस तरह मार्केट जो है ये डाउन ट्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर देगी, देन आपको आइडेंटिफाई होगा कि आप मार्केट से शॉर्ट की एंट्री ले लें, सही होगा। इसका सेम यही चीज होती है वो रिवर्सल में होती है, अप ट्रेंड में जब चेंज ट्रेंड होता है देन मार्केट एक दफा अपना जो रिसेंटली मार्केट ने हायर हाई लगाया है उसको ब्रेक करेगी देन मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताने की कोशिश की, आप इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं रियल चार्ट की तरफ, ये देखें मैं सारी चीजों को यहां से कर देता हूं रिमूव। अब बहुत सारे लोग जो मेन मिस्टेक यहां पे करते हैं ना सर, वो ये करते हैं, देखें अब मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने लगा हूं जी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, अब आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन वो इतना ज्यादा बैक चले जाते हैं कि वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। देखिए अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं ना तो आपने ज्यादा पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपने जो रिसेंटली मार्केट ने स्विंग्स लगाए ना सिर्फ आपने उनको फोकस करना है। अब देखिए ना, अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम है यहां पर एनालिसिस कर रहा हूं और मैं मार्केट को देखें इतना जूम करके बैठा हूं, ठीक है, जूम आउट, और मैं यहां से आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि यहां तक ऐसे, आप कहोगे अली भाई यहां से मुझे लग रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ये देखें जी मार्केट यहां से स्विंग्स ले रही है, भाई मुझे भी नजर आ रहा है डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, लेकिन यार ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है, ठीक है। अगर आप एक बहुत बड़ी ट्रेड लेना चाह रहे हो, मतलब कि आप चाह रहे हो यार मेरी 2-3 दिन ट्रेड चले लेकिन उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी होगी तो मैं एक बहुत बड़ा रिस्क के साथ चल रहा हूं, तो फिर आप ये वाला रिस्क लोगे, ठीक है, हो सकता है मार्केट यहां से रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाए, ठीक है, लेकिन ये कोई कंफर्म चीज नहीं होगी। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं तो देन आपने कोई ज्यादा इतना आपको बड़ा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट जो रिसेंटली मार्केट ने देखे स्विंग्स लगाए हैं, मैं जस्ट इनको यहां से इस तरह मार्क करूंगा, ये देखे मुझे पता चल रहा है कि मार्केट भाई जी अपवर्ड जा रही है, सही हो गया, मार्केट की लॉन्ग की डायरेक्शन है और यहां पे एक मार्केट ने सपोर्ट बनाई थी, फिर मार्केट ने यहां पे मार्केट रिजेक्शन मिली है, अभी मार्केट ऊपर गई है, अब मैं इजीली यहां से मुझे पता चल रहा है कि भाई यहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली है, मैं यहां तक अपना एक शॉर्ट का प्रॉफिट गेन कर लूंगा, ये ऑलमोस्ट यहां पे तकरीबन 300 से लेकर 400 पॉइंट तक का मुझे यहां पे ये प्रॉफिट मिल रहा है, मैं इजीली से निकाल लूंगा। हो सकता है फिर उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, फिर शॉर्ट आना स्टार्ट कर दे, मैं दोबारा शॉर्ट की एंट्री ले लूंगा। मतलब मींस बात करने का मकसद यह है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं कि यार मैंने 10 मिनट 15 मिनट या 1 आवर की ट्रेड करनी है, तो सर फिर आपने ज्यादा बैक पे नहीं जाना एनालिसिस करने के लिए, आपने जस्ट जो रिसेंटली मार्केट में सीन चल रहे ना आपने जस्ट उसे आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूं, मैं चाहता हूं कि यार मैं एक पूरे दिन की ट्रेड लेना चाहता हूं, ठीक है, तो फिर उसमें आप देखें ना यहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में अभी
लॉन्ग की पोजीशन में ओपन कर सकता हूँ, मार्केट कुछ लॉन्ग जा रही है। इसी तरह अगर आप थोड़ा बड़ा चाहते हैं कि नहीं यार मैं एक वीक के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, तो फिर आप जूम आउट करके चेक कर सकते हैं कि यार मार्केट यहाँ पे आप देखें फिर भी एक लॉन्ग की पोजीशन थी, लेकिन यहाँ से मार्केट को कुछ रिजेक्शन मिल रही है, हो सकता है नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट डाउन करना स्टार्ट कर दे। मतलब कि जब भी आपने मार्केट को एनालिसिस करना है सर, आपने उसके टाइम फ्रेम को बहुत ज्यादा गौर से देखना है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो फिर जो रिसेंटली मार्केट स्विंग बना रही है, देखिए ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख ले मुझे इजीली पता चल रहा है कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड की है। ठीक है, मैं मार्केट का यहां से शॉर्ट की एंट्री ले सकता हूं, लेकिन उसके बाद मैं यहां पे वेट करूंगा। अगर मार्केट मुझे यहां से पुल बैक देगी हाई मोमेंटम का, मैं यहां से लॉन्ग की एंट्री ले लूंगा। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करेगी, मैं शॉर्ट की एंट्री ले लूंगा। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। जो रिसेंटली मार्केट में ये स्विंग्स चल रहे हैं, आप उनकी डायरेक्शन देखें, ट्रेंड लाइन लगाएं, तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक है, अगर मार्केट यहां पे लॉन्ग जा रही है तो आपके लिए उसकी सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, मार्केट क्योंकि अपनी सपोर्ट पे आएगी दोबारा फिर हाई लगाएगी। तो इसी तरह अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो फिर उसके लिए आपके पास ये रेजिस्टेंस जो होगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो उसकी ऊपर वाली होती है। देन मार्केट ऊपर जाती है, वहां से फिर गिरेगी, फिर ऊपर की कोशिश करेगी, फिर गिरेगी, फिर ऊपर, इस तरह। मतलब जब भी ये मार्केट गिरेगी आप वहां से शॉर्ट की एंट्री करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आती तो मैंने ये फ्री के अंदर यहाँ पे कोर्स अपलोड किया है, आप इसे जरूर देखें, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसमें मैंने कंप्लीट चीजें आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।